ओम शांति वाणी अठारह जनवरी नाइनटीन सिक्सटी नाइन तेरवा पॉइंट है आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे और जाते ही नैनों के मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा बच्ची बाप में मुख्य दो गुण हैं। वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है वह दो गुण कौन से हैं जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप तो बच्चों को भी यह दो गुण अपने हर चलन में धारण करने हैं आज वतन में गई तो बाप दादा दोनों सामने खड़े थे नैनो की मुलाकात से सभी की याद प्यार दे दी उसी समय साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है और थोड़े समय के लिए प्रेम के सागर में लीन हो गई बाप में दो गुण है मुख्य एक है ज्ञान स्वरूप और दूसरा प्रेम स्वरूप भक्ति में गाते हैं तू प्यार का सागर है और ज्ञान में गाते हैं तू ज्ञान का सागर है यह जो दो गुण हैं इसमें बाकी सभी गुण आ जाते हैं अगर आप ज्ञान से भरपूर हो साथ ही साथ प्रेम से भरपूर हो पवित्रता निश्चित है शक्ति निश्चित है सुख निश्चित है आनंद है हर एक बात शांति है सारी शक्तियां हैं सभी आपके अंदर आ जाएंगे मुश्किल कोई बच्चे मिलेंगे जो दोनों स्वरूपों से भरपूर होंगे ज्ञान भी और प्रेम भी ज्ञान है और प्रेम नहीं तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है अहंकारी बन जाएंगे उस ज्ञान से अहंकार पैदा होगा आपको खुद को पतन की ओर लेके जाएगा ऐसे नहीं कि अहंकार सिर्फ बुरी बातों से पैदा होता है अच्छी बातों का भी अहंकार आता है और जब भी अहंकार आए पतन निश्चित है अहंकार किसे कहते हैं आपके पास ऐसी कोई वस्तु है कोई चीज है कुछ ज्ञान की बातें हैं जिनको आप दूसरों को इस तरीके से दिखा रहे हो कि मेरे पास है और उसके कारण सभी देखने वाले दुखी हो रहे हैं आपके पास जो भी गुण ज्ञान है शक्तियां हैं जिनको दिखाने के बाद सामने वाले दुखी हो रहे हैं। इसका मतलब आप अहंकार में हो प्यार से कभी कोई दुखी नहीं होता अहंकार से ही दुखी होते हैं बहुत बार संस्कार होते हैं आदत होती है एक बूंद की भी बूंद नहीं मिली है तो ऐसे हम बताते हैं जताते हैं कि जैसे सागर मिल गया बूंद की भी बूंद उसका अहंकार सागर के जैसा तो सागर को कभी पा नहीं सकेंगे इसीलिए जितना ज्ञान धारण करते जाएंगे उतना प्रेम स्वरूप बनना बहुत आवश्यक है नहीं तो वही ज्ञान वही धारणाएं वही सारी बातें आपका पतन करेंगे आपको नीचे लेके आएंगे आपके पास जो कुछ है उसे कब नजर लगती है जब आप किसी को अहंकार से बताते हो मेरे पास ये है मेरे पास सुंदर मन है सुंदर तन है बहुत धन है बहुत अच्छा ज्ञान है बहुत सुंदर परिवार है मेरा पद पोजीशन बहुत अच्छा है मेरा नाम अच्छा है ऐसी किसी भी बात को जब आप अहंकार से दूसरों को दिखाते हो बताते हो अनुभव कराते हो तो उसको नजर लग जाती है और वो चीज आपके हाथ से छूटने लगती है इसलिए भक्ति मार्ग में बहुत सारे लोग अभी भी भक्ति कर रहे हैं उनका पार्ट है ड्रामा अनुसार एक समय में आपने भी भक्ति की है इस जन्म में नहीं की है तो पिछले जन्म में जरूर की है बाबा खुद कहते हैं ढाई हजार साल आपने जब भक्ति की है तब मैं मिला हूं आपको तो अभी अगर आपको परमात्मा मिला है तो इस तरीके से इस अहंकार से दूसरों को नहीं बताओ कि वो दुखी हो जाए आप अगर पावन बने हो तो उनको इस तरीके से नहीं बताओ कि आप अछूत हो पतीत हो ऐसा व्यवहार नहीं करो ऐसा व्यवहार बाबा कभी नहीं सिखाता सबको सुख दो आपकी दृष्टि से वाणी से कर्मों से सबको सुख मिले भले आप महाज्ञानी पंडित हो लेकिन आत्माओं के सामने क्या अपने आप को महान समझना साधारण आत्माएं हैं, तो आप भी साधारण चलो जहां ज्ञान की बात है वहां नम्रता से प्यार से ज्ञान दो तो बाबा मिला है परमात्मा मिला है इसको ऐसे जताओ नहीं ऐसे बताओ नहीं कि सामने वाला दुखी होकर भक्ति करना भी छोड़ दे उसको यह नहीं कहो कि भक्ति कर रहे हो, वरना आप भटक रहे हो एक समय आप भी कर रहे थे अगर आपको किसी ने कहा होता तो कितने दुखी हुए होते तो समझो हो। इसलिए किसी से व्यवहार करते समय अपने को सामने रखना उनके बदले और व्यवहार करना कि आपसे लोग कैसा व्यवहार करें यह सोच समझकर आप उनसे व्यवहार करना तो बाबा मिला है परमात्मा मिला है इसको अहंकार से नहीं बताओ नहीं तो नजर लग जाएगी और आपके हाथ से परमात्मा भी छूट जाएगा क्योंकि वह भी बच्चे बाबा के हैं न जाने वो कब ज्ञान में आएंगे और आपसे बेहतर परमात्मा की प्राप्ति करेंगे ये आप भी नहीं जानते न जाने उनका पार्ट क्या है शायद आप जिसको अहंकार से बता रहे हो वो अष्टरतन हो विश्व महाराजन हो 108 सौ आठ वाली आत्मा हो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट वाली आत्मा हो आपको कहा पता है कि को किस आत्मा का कौन सी आत्मा का कौन सा पार्ट है अभी तक आपको कुछ भी पता नहीं है ड्रामा का आपके समझ से परे है ड्रामा बहुत सारे राज अभी भी खुलने बाकी हैं। बहुत बड़े बड़े राज बाकी हैं। इसलिए किसी को दुखाओ नहीं सबसे प्रेम स्वरूप होकर व्यवहार करो प्यार से व्यवहार करो भले ज्ञान है आपके पास कहते हैं पेड़ को जितने फल लगते हैं उतना वो झुकता है जितना ज्ञान ज्ञान के रत्न आपके पास आएंगे उतनी नम्रता आपके अंदर आए बात करते समय भी किसी को ना लगे कि ये बड़े महाज्ञानी है जैसी व्यक्ति है जैसी आत्माएं है उस तरीके से नम्रता से बात करो बाबा ने अभी तक कभी दिखाया है कि मैं ज्ञान का सागर हूं मुरली सुनाते ज्ञान देते कि मुझे सब आता है मुझे सब पता है किसी भी मुरली में आपको नहीं मिलेगा कि बाबा ने अहंकार से बात की हो। क्योंकि वो खुद आप सबको निरंकारी बनाने आया है तो आपको इतना सा ज्ञान मिलने के बाद परमात्मा को तो अभी पूरा समझा भी नहीं वो कैसा है अगर समझ लेते तो बाबा अभी तक ये बात नहीं कहता कि मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रूप से मुझे कोई नहीं जानते तो उसे थोड़ा भी ठीक से नहीं समझा तो फिर अहंकार क्यों जता रहे हो और दूसरों को दुखी क्यों कर रहे हो क्या मिलेगा इससे इसलिए जितना ज्ञान लो उतना प्रेम स्वरूप बनो बाबा के यह गुण बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े है। इसलिए बाबा को ज्ञान का सागर और प्यार का सागर कहा जाता है सागर की महिमा करते तो आप भी बाप समान बनो आपको जो आता है फिर लौकिक ज्ञान हो अलौकिक हो पारलौक हो उसको बड़ी नम्रता से सबके सामने रखो अहंकार से रखेंगे ना कोई नहीं सुनेगा और सुनेगा तो कोई नहीं धारण करेगा आपकी भी एनर्जी टाइम वेस्ट चली जाएगी और दूसरों की भी जाएगी क्योंकि बीज जा अहंकार था ज्ञान को संभालना साधारण बात नहीं है टीचर बनना प्रोफेसर बनना साधारण बात नहीं है गुरु बनना साधारण बात नहीं है अहंकार आया सब गया इसलिए बहुत नम्रता से बात करो नम्रता से ज्ञान दो क्योंकि जो आपको मिला है याद रखना वो आपको किसी और से मिला है वो आपका नहीं है अगर आपकी क्रिएशन है ना तो शायद नहीं देना चाहिए लेकिन शायद आप दे सकते हो अहंकार से क्योंकि आपकी क्रिएशन है लेकिन आपने लिया बाप से है और दूसरों को इस तरीके से बता रहे हो जैसे आपकी ही क्रिएशन है आपका ही इन्वेंशन है आपकी ही डिस्कवरी है उस ज्ञान की क्या तरीका है है किसी और का और देने वाला कहता है कि मैं दे रहा हूं इतना अहंकार और जितना ज्ञान दे रहे हैं उसमें से कुछ भी अनुभव नहीं है अनुभव वाले को ज्ञान नहीं देना पड़ता वो अपने कर्मों से सबको सिखाता है और ज्ञान दे भी तो बड़ी नम्रता से देगा निरहंकारिता से देगा और वो हमेशा कहेगा ये मेरा नहीं है देने वाला दे रहा है बस इंस्ट्रूमेंट बनाया है देने के लिए इसमें से एबीसीडी भी मुझे नहीं आती इसमें से जो दे रहे हैं उसमें से आधा भी मेरे अंदर धारण नहीं है एक टका भी धारण नहीं है बस देने वाला दे रहा है ये नम्रता होती है कि बाबा का ज्ञान है बाबा ही दिलाता है जिन बच्चों को जहाँ जिस प्रकार का चाहिए जैसी जरूरत है वैसा ज्ञान बाबा दे देता है जैसे बच्चे वैसा ज्ञान देता है इसलिए प्रेम स्वरूप बनो देखिए इसमें बहुत गहराई है जितना प्रेम स्वरूप बनेंगे अपने आप उतना ज्ञानी बनेंगे और जितना सच्चे ज्ञान को धारण करते जाएंगे उतना अपने आप प्रेम स्वरूप बनते जाएंगे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है एक दूसरे से कनेक्टेड शेरनी का दूध लाना है तो सोने का बर्तन लाना पड़ेगा और सोने का बर्तन लाया है तो शेरनी का दूध आराम से ले सकते हैं दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं दूध है प्रेम और सोना है ज्ञान रतन तो अगर आप ज्ञान स्वरूप है तो प्रेम स्वरूप होना ही चाहिए अगर अहंकारी है तो आपके पास कोई ज्ञान नहीं है ये सिद्ध हो जाता है प्रेम स्वरूप नहीं है तो बस ज्ञान नहीं ज्ञान के नाम पर अब बस कुछ बातें सुना रहे हो जिससे आपकी वाह हो लोगों में इसलिए ज्ञान स्वरूप बनो प्रेम स्वरूप बन जाएंगे प्रेम स्वरूप बनो ज्ञान स्वरूप अपने आप बन जाएंगे तो बच्चों को भी यह दो गुण अपने हर चलन में धारण करने हैं फिर मैंने बाबा से पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था इसका रहस्य क्या था बाबा ने कहा पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे लेकिन साकार रूप से जो कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं हमने कहा बाबा यह किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी है तो बाबा बोले बच्चे यह आगे चलकर स्पष्ट करेंगे फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं बाबा ने कहा बच्चे जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वह चारों ओर फैल गए हैं अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है फिर बाबा ने चार स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना सोचना समझना और निश्चय करना जो बच्चे एडवांस पार्टी में गए हैं उन बच्चों को बाबा ने जैसे सारे विश्व में फैला दिया है विश्व सेवा अर्थ इसलिए अभी तक जो सेवा हुई है अव्यक्त के बाद सारे एडवांस पार्टी की सेवा है एडवांस पार्टी की आत्मा किसमें प्रवेश करके किससे कौन सी से सेवा करके वापिस अपना पार्ट बजाने गई कोई नहीं जानता और अभी भी कहा कौन सी से सेवाएं कर रही है कोई समझ नहीं सकता बाबा से वतन में पूछे तो पता चलेगा कि कौन से बच्चे कहा कौन कौन सी से सेवाएं दे रहे हैं लेकिन चारों तरफ से विश्व कल्याण का कार्य हो रहा है एक तरफ से नहीं हो सकता ये विश्व की लड़ाई है विश्व को जीतने की बात है प्यार से ज्ञान से तो ये चारों तरफ से चल रही है हर जगह देश विदेश में बच्चे सेवा कर रहे हैं अव्यक्त सेवा बहुत बड़ी होती है बस सेकेंड में बुद्धि को टचिंग दी सेवा हो गई स्थूल में बहुत बार समझाना पड़ता है किसी को कि क्या करना है क्या नहीं करना है पर अव्यक्त में कोई समझाना नहीं डायरेक्ट सेवा हो जाती है अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है बस अभी ऑर्डर देने की जरूरत है और ऑर्डर सिक्सटी नाइन से शुरू भी हो गई थी इसीलिए पूरे विदेश में ये ज्ञान फैला अलग अलग स्थानों में पहुंचा ये सभी एडवांस पार्टी का कार्य हमें बहुत बार लगता है हमने प्रदर्शनी समझाई हमने क्लास कराया हमने सेवा कराई हमने स्थान ढूंढा स्थान बनाया गलत फहमी है कौन से एडवांस पार्टी में आके कहा से कैसे कराया ये आप नहीं जानते उस कार्य को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर तो है नहीं फिर ये हुआ कैसे बाबा के बच्चों के द्वारा जो एडवांस में अव्यक्त में सेवाएं दे रहे पूरे विश्व भर में वो सेवाएं दे रहे इस तन से निकले उस तन में जाकर की उस तन से निकले दूसरे तन में जाकर सेवा की सेवाएं चल रही है स्थूल में भी आत्माएं कर रही है लेकिन कार्य है ईश्वरीय इसके लिए बहुत प्योरिटी लगती है मन की जब भी हो तो अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे कारण हुआ अगर अहंकार आया तो बाबा उस चीज से कोई कार्य नहीं करता कोई सेवा नहीं करता कि मेरे कारण ये हुआ आपके कारण कहां से हुआ आप हो बाबा के कारण और आप कहते हो आपके कारण हुआ बाबा ही ना हो तो आपका कारण कहा और आप कहा आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा इसलिए हर कार्य जैसे बाबा कर रहा है और करा रहा है बच्चों के द्वारा बच्चे कभी इस गलत फैमी में ना रहे कि हम कर रहे हैं करने वाला और कराने वाला भी एक ही है सबके द्वारा वही करा रहा है जितना आप निरंकारी रहेंगे उतना बाबा आपको इंस्ट्रूमेंट बनाएगा आपके द्वारा कार्य कराता रहेगा बाबा कहते पूछो नंबर वन आत्मा को बाबा को पूछो ब्रह्मा बाबा को उन्होंने किया कभी नहीं कहेंगे मैंने किया बाबा ने किया भी और कराया भी पूछो मम्मा को कहेंगे बाबा ने किया भी और कराया भी तो आप कौन हो कहने वाले कि हमारे कारण आपके जैसे अनगिनत खड़े कर सकता है बाबा क्या आपको लगता है कि आपकी जरूरत बाबा को है जितने चाहे खड़े कर सकता है वो आपको बाबा की जरूरत है भाग्य समझो सौभाग्य समझो कि आपसे कर रहा है और करा रहा है कुछ आपके पुण्य कर्म होंगे कुछ प्यार होगा बाबा के लिए कुछ कड़ा विश्वास होगा इसलिए आपको इंस्ट्रूमेंट बना रहा है कुछ हाँ पूरा नहीं इसीलिए ये सौभाग्य समझो कि आपको इंस्ट्रूमेंट बनाया और आपके द्वारा कार्य कर रहा है किसी भी प्रकार का इस गलत फैमे में कभी नहीं आना वैसी कितनी सारी आत्माएं तैयार कर सकता है एक सेकंड में सेकंड भी नहीं लगेगा तैतीस करोड़ को तैयार करना तो खेल है उसके लिए इसलिए आपको जो सौभाग्य का पार्ट मिला है विश्व सेवा करने का उसके लिए शुक्रिया अदा करो बाबा का कि आपको मिला है आपको जो झाड़ू लगाने का कार्य मिला है शुक्रिया अदा करो उसके लिए कि झाड़ू लगाने का कार्य मिला है सेवा मिली है विश्व सेवा मिली है तो ये सब बाबा कर रहा है और करा भी रहा है अभी अंत समय में सारा खेल स्पष्ट हो जाएगा कि करण करावन हार एक अकेला कैसा है और कैसे है सब स्पष्ट हो जाएगा और सबको पता चलेगा किसने किया बाबा ने किया या आपने किया सबको पता चलेगा सारी दुनिया को फिर बाबा ने चार स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना सोचना समझना और निश्चय करना कोई सोच करता है कोई मंथन करता है दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है पहली स्टेज ज्ञान सुनना सोचना समझना और निश्चय करना अगर सुनेंगे तो सोच चलेगी सोच चलेगी तो समझ जाएंगे और समझ गए तो निश्चय हो जाएगा तो पहले सुनना बहुत जरूरी है और सुनकर सोच चलना भी बहुत जरूरी है यह दो बातें चलना बहुत जरूरी है सुनना और सोचना तो समझना और निश्चय करना अपने आप हो जाता है जिसने समझ लिया उसे निश्चय अपने आप होता है गुड़ मीठा है ये जिसने समझा उसे निश्चय कराने की जरूरत नहीं उसे निश्चय हो गया कि गुड़ मीठा ही है कड़वा नहीं हो सकता दूसरी स्टेज कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है कहा बाढ़ से डूब रहे हैं कहा क्या हो रहा है लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे दूसरी स्टेज में विनाश के समय की बातें बाढ़ है कहा कुछ हो रहा है लेकिन शक्ति से ना शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े हैं अचल अडोल है स्थिर है कोई फिकर नहीं नथिंग न्यू समझ के चल रहे हैं। जो कुछ हो रहा है बाबा की मर्जी से ड्रामा अनुसार हो रहा है इसलिए अचल अड़ोल अगर आप अडोल हो तो ही आप पांडव या शक्ति दल में हो नहीं तो आप मनुष्यों में हो ब्राह्मण मना जिनको सिर्फ ईश्वर ही सब कुछ है उसी प्रकार अचल अडोल मना शक्ति दल और पांडव तो इस प्रकार दूसरी स्टेज तीसरी तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्मा है जैसे निकलकर परम परमधाम में गुब्बारे माफिक जा रही हैं। फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई ना आत्माएं एक साथ जा रही है परमधाम में गुब्बारे माफिक एक झुंड में जा रही चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। यह जो लाइन है स्वर्ग में आत्माए कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही है यह स्वर्ग में आने वाले बच्चों के रचना की बात है ये जितनी साधारण लाइन है उतनी उसकी गहराई बहुत बड़ी है किसी और दिन जानेंगे तो यह सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य से ही वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा इन हीरो का टीका सभी बच्चों को लगाना यह हीरे क्यों दे रहा हूं क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है तो हरेक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे ये सारे अनुभव ये सारे स्टेजेस बाबा ने दिखाए अभी जो समय चल रहा है इस समय में आपकी अवस्था अचल, अचल अडोल रहे ये बहुत बड़ा समय है सेकेंड स्टेज है पहली स्टेज ज्ञान सुनना सोचना समझना और निश्चय करना सेकेंड स्टेज है अचल अडोल रहना अपने को चेक करो आपके जीवन में कौन सी घटना हो तो आप हिल जाएंगे अगर आपने चेक किया आपको वो घटना मिली आपको वह परिस्थिति मिली और आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया पुरुषार्थ शुरू किया तो आपको अचल अडोल बनाने से बनने से कोई रोक नहीं सकता पर पहले आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आपको हिलाएंगे चेक करो अगर पता ही नहीं और अंत समय में वही घटनाएं आपके सामने आए तो हिल ही जाएंगे और फेल हो जाएंगे इतने साल इतना पुरुषार्थ था सब क्या कहेंगे इसे अभी तो अपने को चेक करना हर किसी के जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं कुछ बातें होती हैं जिनके कारण वह बंधा हुआ होता है वो अपने आप को मुक्त फील नहीं करता किसी को कुछ नहीं है तो यह बात होती है कि मैं अष्टरतन में कैसे आऊँ, एक सौ आठ में कैसे आऊँ उसके लिए बेचारे परेशान होते रहते हैं परेशान होके शान वाली बातें नहीं पा सकते आप अच्छी बातें आपको प्राप्त नहीं हो सकती परेशान हो के जिन अच्छी बातों को पाने के लिए आप परेशान हो रहे हो वो बातें आपको कभी नहीं मिल सकती क्योंकि उसकी ऊर्जा अच्छी है पॉजिटिव है और आप उसको पाने की कोशिश कर रहे हो नेगेटिव वृत्ति से कैसे मिलेंगी नहीं मिल सकती दुनिया की कोई भी चीज परेशान होके नहीं मिल सकती सिवाय दुख के और स्ट्रेस के डिप्रेशन के इरिटेशन के इसीलिए शुद्ध रहो खुश रहो और आप जो पाना चाहते हो जो करना चाहते हो वो करने की कोशिश करो परेशान होके पुरुषार्थ नहीं करो परेशान होके पुरुषार्थ करेंगे डिप्रेशन में चले जाएंगे इसलिए प्यार से खुशी से करो परेशान होके लाख रुपए भी आपने कमाए वो खर्च करने में भी परेशानी होगी और खर्च करने के बाद भी परेशानी महसूस होगी जो चीजें आपने घर लाई है उन चीजों से और खुशी खुशी हजार रुपए भी कमाए उसमें से एक एक रुपया खर्च करते समय बहुत खुशी मिलेगी इसलिए परेशान होके कोई कर्म नहीं करना खुशी खुशी करना बीज अगर खुशी है तो फल अपने आप खुशी मिलेंगे तो हरेक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे और हीरे समान आपकी चमक सारे विश्व में फैलती रहे अच्छा ओम शांति सभी बच्चों को पदम गुणा याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते सदा खुश रहना मौज में रहना और बाप की याद में रहना जितनी बाप की याद बढ़ेगी उतनी अवस्था अचल अडोल होती जाएगी जीवन मुक्त अनुभव करेंगे यहां जीवन मुक्ति पानी है तभी आप स्वर्ग में जाकर सतयुग में जाकर उसका अनुभव कर सकेंगे बंधनों से छूटना है यहाँ ही और उपाय एक ही है बाबा की याद और कुछ नहीं अच्छा ओम शांति